चल। और सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा को आपको बताता हूँ, अब ध्यान दीजिए वीडियो में। अवयवी कणु, अणु परमाणु या आयन। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि अवयवी कण अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं या आयन भी हो सकते हैं। तो अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था में जुड़ने से बनने वाली त्रिविमीय संरचना को क्रिस्टल या क्रिस्टली ठोस कहते हैं। अब इस परिभाषा को हम एक इमेज के माध्यम से समझेंगे ताकि यहाँ से हमको कोई डाउट ना रहे। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक क्रिस्टल की संरचना ली है। एक बात आप ध्यान रखिए, यहाँ पे जो ये क्रिस्टल शब्द है वो वास्तव में क्रिस्टली ठोस को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक क्रिस्टल की संरचना ली है। यहाँ इस संरचना में आपको हरे रंग के और पीले रंग के गोले दिखाई दे रहे हैं। ये गोले अवयवी कणों को प्रदर्शित करते हैं। तो इस संरचना में यदि आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि अवयवी कण एक विशेष क्रम में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अवयवी कणों के इस विशेष क्रम में आपस में जुड़ने से एक त्रिविमीय संरचना यहाँ पर तैयार हो रही है, और इस त्रिविमीय संरचना को हम कहेंगे क्रिस्टल। जैसा कि अभी हमने पढ़ा परिभाषा में, एक बार और इस लैंग्वेज को पढ़ते हैं ताकि हमको बिल्कुल क्लियर हो जाए। अवयवी कणों के एक निश्चित व्यवस्था में जुड़ने से बनने वाली त्रिविमीय संरचना को क्रिस्टल कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में जुड़े हैं जिससे एक त्रिविमीय संरचना बन रही है, इसको हम कहेंगे क्रिस्टल। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि क्रिस्टल क्या है। अब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए क्रिस्टल जालक को समझना। क्रिस्टल जालक को इंग्लिश में हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। और अब हम बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी लैंग्वेज को समझेंगे और फिर उसको हम क्लियर करेंगे इमेज के माध्यम से। किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों के केंद्र को या किसी निश्चित स्थान को बिंदु द्वारा प्रदर्शित करने पर बिंदुओं का जो त्रिविमीय समुच्चय प्राप्त होता है उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब इस लैंग्वेज को हम लोग समझेंगे इमेज से। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक क्रिस्टल की संरचना ली है। यहाँ पे जो हरे और पीले रंग के गोले दिखाए गए हैं ये अवयवी कणों को प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान दीजिए कि क्रिस्टल जालक क्या होता है। हम क्या करेंगे कि जो ये अवयवी कण हैं इन सबके केंद्र पर हम छोटे छोटे बिंदु बनाएंगे, और बिंदु बना लेने के बाद हम सभी अवयवी कणों को यहाँ से हटा लेंगे। तो जब अवयवी कणों को हम बिंदु लगाने के बाद हटाएंगे तो इस प्रकार हमको इन बिंदुओं का एक समुच्चय प्राप्त होगा। ये जो बिंदुओं का समुच्चय प्राप्त हो रहा है ये त्रिविमीय व्यवस्था में है, और इसी समुच्चय को हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। एक बार और लैंग्वेज को पढ़ते हैं। किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों के केंद्र को बिंदु द्वारा प्रदर्शित करने पर बिंदुओं का जो त्रिविमीय समुच्चय प्राप्त होता है उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो हमने क्या किया, अवयवी कणों के केंद्र पर ये बिंदु बनाए, और ये बिंदु बनाने के बाद कणों को यहाँ से हमने हटा दिया। तो इस प्रकार बस अब हमको बिंदुओं का एक त्रिविमीय समुच्चय प्राप्त हो गया, इसी समुच्चय को हम कहेंगे क्रिस्टल जालक। एक बात यहाँ पे आपको और क्लियर करना चाहता हूं मैं कि जो ये बिंदु आपने बनाए हैं वो वास्तव में केंद्र पर बनाए हैं, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि हर बार आप केंद्र पर ही बनाएं। आप किसी निश्चित स्थान पर बना सकते हैं, यानी कि अवयवी कणों के किसी निश्चित स्थान पर आप बिंदु बनाएं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि एक बार आपने केंद्र का चयन कर लिया, अर्थात एक अवयवी कण के केंद्र पर यदि आपने बिंदु बनाया, तो सभी अवयवी कणों के केंद्र पर ही बनाएंगे। या फिर मान लीजिए केंद्र के अतिरिक्त आपने किसी स्थान पर बनाया, तो जिस स्थान पर भी बनाए हों सभी अवयवी कणों के उसी स्थान पर आप बिंदु बनाएंगे, तभी आपको क्रिस्टल जालक प्राप्त होगा। तो उम्मीद है आपको क्रिस्टल जालक समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे क्रिस्टल जालक की कुछ छोटी बातों की जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। तो देखिए, हम आगे बात करते हैं। क्रिस्टल जालक के प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्रिस्टल जालक दिखाया गया है। ये जो बिंदु हैं वो हमने बनाए हैं अवयवी कणों के केंद्रों पर, इन बिंदुओं को हम कहेंगे जालक बिंदु
या अंग्रेजी में हम कहेंगे लैटिस पॉइंट, या फिर इनको हम कहेंगे जालक स्थल। जालक स्थल को इंग्लिश में हम कहेंगे लैटिस साइट। तो जो जालक क्रिस्टल जालक के बिंदु हैं, इन बिंदुओं को हम कहते हैं जालक बिंदु या जालक स्थल। जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से मिलाकर क्रिस्टल की ज्यामिति संरचना प्राप्त की जा सकती है। देखिए यहाँ पर इमेज में आप देखिए, ये जालक बिंदु हैं जो हरे रंग से और पीले रंग से आपको दिखाए गए हैं। आप देख रहे हैं जालक बिंदुओं को हमने यहाँ पर सीधी रेखाओं से मिला रखा है। जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से मिलाने पर क्रिस्टल की ज्यामिति संरचना प्राप्त होती है। यहाँ पर देखिए हमने इन रेखाओं को, इन जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं से मिलाया है तो एक बड़ा सा घन प्राप्त हुआ है। इस बड़े से घन को हम कहेंगे क्रिस्टल की ज्यामिति संरचना, अर्थात यह जिस क्रिस्टल का जालक संरचना है या जिस क्रिस्टल की यह क्रिस्टल जालक है, उस क्रिस्टल की ज्यामिति संरचना घनाकार है या घनी है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इस बड़े से घन में बहुत सारे छोटे छोटे घन भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये छोटे घन क्या कहलाएंगे, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, क्रिस्टल जालक के बिंदुओं पर अवयवी कणों बेसिस या मोटिफ को रखकर संपूर्ण क्रिस्टल की त्रिबीमी संरचना प्राप्त की जा सकती है। तो आपको अभी मैंने समझाया कि जो ये बिंदु हैं वो हमने अवयवी कणों के केंद्रों पर बनाए हैं। यदि इन केंद्रों पर हम पुनः अवयवी कणों को रख दें तो फिर से हमको क्रिस्टल की त्रिबीमी संरचना प्राप्त हो जाएगी। तो वही इस पॉइंट में लिखा गया है आपको, क्रिस्टल जालक के बिंदुओं पर अवयवी कणों को रखकर संपूर्ण क्रिस्टल की त्रिबीमी संरचना प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अवयवी कणों के लिए हमने दो और शब्द को यूज किया है, बेसिस या मोटिफ। तो ध्यान रखिएगा अवयवी कणों को हम बेसिस या मोटिफ भी कह सकते हैं। अब इस पूरे डिस्कशन के बाद आप क्रिस्टल जालक को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। यदि अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है क्रिस्टल जालक को लेकर तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा और आपको ये बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अब इन पूरी बातों को समझने के बाद हम चाहें तो क्रिस्टल जालक की एक बहुत ही आसान सी परिभाषा लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की त्रिबीमी व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो देखिए वास्तव में ये क्रिस्टल जालक हमने प्राप्त कैसे किया, ये अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ही प्राप्त किया है। अर्थात यह क्रिस्टल जालक वास्तव में अवयवी कणों की व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। ये जो बिंदु आपने बनाए हैं केंद्रों पर, ये अवयवी कणों की व्यवस्था को ही प्रदर्शित करते हैं। इस आधार पर आप कह सकते हैं किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की त्रिबीमी व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। उम्मीद है आपको क्रिस्टल जालक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे एकक कोष्ठिका की। एकक कोष्ठिका को इकाई कोष्ठिका भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं यूनिट सेल। सबसे पहले हम इसकी लैंग्वेज को पढ़ेंगे और बाद में हम इसको क्लियर करेंगे इमेज के माध्यम से। क्रिस्टल जालक में उपस्थित जालक बिंदुओं का वह सूक्ष्मतम समुच्चय जिसकी पुनरावृत्ति संपूर्ण क्रिस्टल में होती है, एकक कोष्ठिका कहलाती है। अब इसको हम इमेज से क्लियर करेंगे, उसके बाद एक बार और हम इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक क्रिस्टल जालक बनाया है। आप जानते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो आपको बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इनको हम जालक बिंदु कहते हैं और ये बनाए गए हैं अवयवी कणों के केंद्रों पर। और इन जालक बिंदुओं को जब हमने सीधी रेखाओं से मिला दिया है तो यहाँ से हमको क्रिस्टल की ज्यामिति समझ में आ गई है, यानी कि हमने क्रिस्टल की ज्यामिति संरचना को तैयार किया है जालक बिंदुओं को सीधे रेखाओं से मिलाकर। ये जो बड़ा सा घन हमको मिल रहा है ये पूरे क्रिस्टल का ज्यामिति संरचना कहलाएगा, लेकिन इसके बीच में जो ये छोटे छोटे घन मिल रहे हैं, आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे घनों की पुनरावृत्ति से या इन घनों के बार बार जुड़ने से ही इस पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है। तो इस छोटे घन को हम क्या कहेंगे, जहाँ जो आपको देखिए यहाँ पे कलर्ड कर दिया गया है, इस छोटे घन को हम कहेंगे एकक कोष्ठिका। बात को थोड़ा और हम क्लियर करते हैं अपने दैनिक जीवन के एक उदाहरण से।
आप कभी दीवार को बनते हुए देखे हों। आप देखते हैं कि बहुत सारे ईंट होते हैं जिनको जोड़ जोड़ कर दीवार तैयार की जाती है। तो ईंट को आप एक क्रिस्टल मान लीजिए, सॉरी दीवार को आप एक क्रिस्टल मान लीजिए, पूरी दीवार एक क्रिस्टल है। तो उसमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे बहुत सारे ईंट जो कि समान प्रकार के हैं। तो आप कह सकते हैं कि पूरी दीवार का निर्माण ईंटों की पुनरावृत्ति से हुई है, अर्थात ईंटों के बार बार जुड़ने से हुई। तो एक ईंट को आप कहेंगे एकक पुस्तिका और पूरी दीवार को आप कहेंगे क्रिस्टल। ठीक वही बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि किसी क्रिस्टल में एक ऐसा छोटा सा भाग इसकी बार बार पुनरावृत्ति पूरे क्रिस्टल में हुई है, इस छोटे से भाग को आप कहेंगे एकक पुस्तिका। तो देखिए हम यहाँ पे परिभाषा में क्या लिखे हुए हैं, क्रिस्टल जालक में उपस्थित जालक बिंदुओं का वह सूक्ष्मतम समुच्चय जिसकी पुनरावृत्ति संपूर्ण क्रिस्टल में होती है एकक पुस्तिका कहलाती है। तो ये देखिए जालक बिंदुओं का एक छोटा सा समुच्चय था जिसकी बार बार पुनरावृत्ति इस पूरे क्रिस्टल में हुई है, तो इस छोटे से समुच्चय को हम कहेंगे एकक पुस्तिका। या आप सरल शब्दों में दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम संरचना जिसकी पुनरावृत्ति संपूर्ण क्रिस्टल में होती है एकक पुस्तिका कहलाती है। तो देखिए ये एक छोटा सा घन है जिसकी पुनरावृत्ति इस पूरे क्रिस्टल में हो रही है, तो इस छोटे से घन को हम कहेंगे एकक पुस्तिका। यानी कि क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम संरचना जिसकी पुनरावृत्ति संपूर्ण क्रिस्टल में होती है एकक पुस्तिका कहलाती है। जैसे अभी मैंने दीवार के एग्जाम्पल से आपको समझाया कि यदि पूरी दीवार आपकी क्रिस्टल मान ले, आप पूरी दीवार को क्रिस्टल मान ले, तो उस क्रिस्टल में आप देखेंगे कि ईंटों की पुनरावृत्ति होगी, तो ईंटों को आप कहेंगे एकक पुस्तिका और पूरी दीवार आपकी हो गई क्रिस्टल। तो उम्मीद है आपको एकक पुस्तिका की परिभाषा समझ में आ गई। एकक पुस्तिका की परिभाषा को समझने के बाद हम पढ़ेंगे एकक पुस्तिका के प्रकार जो कि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक मुझे उम्मीद है कि आपको क्रिस्टल जालक और एकक पुस्तिका अच्छे से समझ में आई होगी। इस बेसिक कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे आगे पूरे इस चैप्टर। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो से संबंधित अपने विचार को या फिर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो उसको बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मैं आपके सभी कमेंट्स को ध्यान से पढ़ता हूँ। आज की वीडियो देखने के लिए, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे चैप्टर की अगले